रुड़की में अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल, नगर निगम के खिलाफ फूटा व्यापारियों का गुस्सा। जेसीबी के सामने धरने पर बैठे व्यापारी, प्रशासन पर लगाया उत्पीड़न करने का आरोप। व्यापारियों को मिला निगम पार्षद का साथ, प्रशासन के खिलाफ जमकर किया हल्ला बोल। व्यापारियों के आक्रोश की ये तस्वीरें रुड़की के रामनगर की हैं, जहां सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को व्यापारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा। व्यापारियों ने एकजुट होकर नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जेसीबी मशीन के सामने धरने पर बैठ गए। इस दौरान व्यापारियों ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रशासन के मुताबिक फुटपाथ और सड़कों पर अतिक्रमण की सूचना मिली थी, जिसके बाद नगर निगम का अमला अतिक्रमण हटाने पहुंचा। देखिए, अतिक्रमण ये सारे अस्थायी हैं और अतिक्रमण के विरुद्ध एक चूंकि त्यौहार आ रहे हैं, आम जनमानस को परेशानी न हो इसके वजह से देख करके हम लोग सोचे एक एक मोहल्ले पकड़ते हैं। उसी क्रम में आज रामनगर होगा, कल पनियारा होगा, कल बीटीगंज होगा, हाँ सिविल लाइन में होगा, तो सारे रोडों पर हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग मोहनपुरा भी जाना है, तो एक अभियान चलाएं ताकि आम जनता को सुविधा मिल सके। वही हंगामे की खबर मिलते ही पार्षद रविंद्र खन्ना भी व्यापारियों का साथ देने के लिए मौके पर पहुंच गए और फिर जमकर हंगामा हुआ। पार्षद रविंद्र खन्ना ने कहा कि जब तक व्यापारियों का शोषण होता रहेगा, तब तक उनका धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। अगर व्यापारियों का शोषण होगा ना, हम हर टाइम ये धरना ही करेंगे। अगर एक साल भी धरना करना पड़ा, मुझसे भी नहीं हटने गए। और अब के अगर प्रशासन ने कोई जास्ती करने की यहाँ कोशिश करी, तो ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठ जाएंगे। पूरा व्यापार मंडल रुड़की का बंद करा के, और जो हमारे से होगा, वोट मांगने के टाइम हमारे बीच में, व्यापारियों के बीच में, और आज व्यापारियों का शोषण हो रहा, बड़ी तकलीफ की बात है। एक हिंदुओं का इतना सच्चा त्यौहार है, नवरात्रों का टाइम चल रहा, दशहरा आ रहा, दिवाली आ रही, अगर इन लोगों ने कुछ सामान खरीद रखा और ये बेच रहे हैं, उसमें कोई इन्होंने कोठिये बना ली क्या सड़क के ऊपर, अगर टेंट लगा रखा हो, सामान बिक रहा, क्या अतिक्रमण है, वो मुझे समझ में नहीं आई ये बात। इलाके के व्यापारियों ने नगर निगम पर शोषण करने का आरोप लगाया है। व्यापारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन आते ही अतिक्रमण हटाने के नाम पर उनका शोषण किया जा रहा है, जो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं व्यापारियों के भारी विरोध और हंगामे के बीच नगर निगम की टीम को बिना अतिक्रमण हटाए वापस लौटना पड़ा। प्रशासन भी ये मानता है कि प्रचार के समय में बिक्री जो है कुछ ज़्यादा होती है, और कुछ छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनके द्वारा कुछ ठेलियाँ लगाई जाती हैं, और उनके जो जनप्रतिनिधि थे, जो पार्षद थे और व्यापार मंडल के जो भी अध्यक्ष थे, तो उन्होंने भी अपनी समस्याएं बताई हैं कि छोटे छोटे व्यापारी जो हैं उनके एक ही सीज़न आता है पर त्यौहार के टाइम में, जब उनका थोड़ा सा आमदनी होती है, तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रख के जो है एक दो तीन फैसले लिए गए। जो भी विरोध कर रहे थे उन व्यक्तियों द्वारा ये रजामंदी दी गई कि जो भी अतिक्रमण है उनको थोड़ा सा पीछे कर लिया जाएगा, और उनके द्वारा जो भी ठेलियाँ लगाई जाएंगे, जो भी दुकानें लगाए जाएंगे, वो इस तरीके से लगाए जाएंगे कि किसी भी तरीके का जो पेडेस्ट्रियल आवागमन है, जो कि पैदल यात्री का जो आवागमन है, वो बाधित ना हो, ना ही सड़क पे जो है किसी भी तरीके का आवागमन जो है, अतिक्रमण जो है मेन सड़क पे, वो भी किसी तरीके से ना हो। व्यापारियों के भारी विरोध को देखते हुए आला अफसरों ने बातचीत से समाधान का रास्ता निकाला है। अफसरों का मानना है कि त्योहारी सीजन की वजह से अतिक्रमण थोड़ा बढ़ गया है, जिसे व्यापारियों की मदद से कम किया जाएगा। हालांकि प्रशासन के रवैये से व्यापारियों में नाराजगी है, और इस कार्रवाई के बाद अब वो अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। रुड़की से संवाददाता प्रिंस शर्मा की रिपोर्ट। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।